हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमएड क्यों बेनिफिशियल है भी कि नहीं है, और जो बीएड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि एमएड करें कि नहीं करें, और एमएड की बजाय किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जिसमें हमने मास्टर्स की थी उसी में पीएचडी कर ले तो क्या करें। एमएड को लेके काफी कंफ्यूजन जो है वो हमें देखने को मिलता है, और एमएड में कितने स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी मान के चलते हैं कि अच्छा अगर साइंस में उतना ही स्कोप है तो क्या एमएड में भी उतना ही स्कोप है। बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपको होंगी कि मास्टर्स अगर आप एजुकेशन में कर लेते हैं, एमएड कर लेते हैं, तो आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो देखिए, बात ऐसी है कि बीएड तो सब लोग करते ही हैं, क्योंकि बीएड अब कंपलसरी कर रखी है और वो भी 2 साल की है, ऑल्दो जब तक आपकी एनईपी 2020 लागू नहीं हो जाती। सो वो 2 साल की ही रहेगी जब तक प्रॉपर तरीके से लागू नहीं होती चीजें। सो बीएड तो सब करते हैं क्योंकि स्कूल लेवल के लिए एलिजिबिलिटी है वो, कि आपको अगर स्कूल में टीचर बनना है, चाहे आपको जो है 6 to 8 का टीचर बनना हो या 6 to 10 का या 10-12 का, तो कोई भी टीचर बनना हो, बीएड आपके लिए कंपलसरी है अगर आपको स्कूल लेवल पे टीचिंग में कहीं पर भी एंट्री लेनी है तो, ठीक है। सो बीएड करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉर्मल सी बातें बता रखी हैं, क्योंकि बीएड में यूजुअली वो बैचलर इन एजुकेशन है, यानी बैचलरेट कर रहे हैं आप एजुकेशन सब्जेक्ट में। जी हाँ, एजुकेशन अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोगों को कई बार नहीं पता होता, शायद हमें भी बीएड एमएड करने से पहले नहीं आइडिया था ज्यादा कि अच्छा बैचलर इन एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन है, ठीक है, या मास्टर ऑफ एजुकेशन। सो वो एजुकेशन जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, बॉटनी, जूलॉजी, सब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ साथ एजुकेशन भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। सो बीएड के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जाग उठता है कि एमएड करते हैं, क्योंकि बाकी कोई सब्जेक्ट में तो आपने मास्टर्स कर ही रखी है। कई स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने बीएससी कर ली या बीए कर ली, फिर मैंने बीएड कर ली, अब मैं जो बीएससी की थी उस सब्जेक्ट में मास्टर्स करूं या एमएड कर लूं बीएड के बाद। तो देखिए, आप एमएड कर भी लेंगे तो भी आपको एक और मास्टर्स की डिग्री चाहिए होगी, यानी एक सब्जेक्ट में पहले से आपकी मास्टर होनी जरूरी है। सो आप वो प्रेफर कीजिए, क्योंकि अगर आपने बीएससी की है या बीए किया है तो आप साथ ही साथ उसी सब्जेक्ट में मास्टर कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज कई बार कनेक्शन छूट जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएससी करते हैं, बीएड करते हैं और फिर एमएड में फंस जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको फिर मास्टर्स करनी होती है किसी और सब्जेक्ट में, तो वो किसी और सब्जेक्ट, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, उसमें वापस नहीं जा पाते उस लेवल के साथ, ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर कोई और मास्टर आपने नहीं कर रखी है तो एमएड मत कीजिए, ठीक है। अगर आपने कोई और मास्टर कर रखी है, जैसे मैंने मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री कर रखी है, सो केमिस्ट्री के साथ साथ मेरी बीएड है, देन एमएड किया मैंने, उसके बाद अब आप एजुकेशन में पीएचडी का सोच सकते हैं। क्यों नहीं करनी चाहिए एमएड, में ये बता देती हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि इजी है लेकिन उसके बाद की जो स्ट्रगल है ना, क्योंकि बहुत जगह पे जैसे किसी स्टूडेंट का कमेंट भी था कि मैम मैंने नेट भी कर लिया, एमएड भी कर रखी है, जो है राजस्थान में जो वैकेंसी निकली थी उसमें एजुकेशन का सब्जेक्ट ही नहीं दे रखा है, कोई वैकेंसी नहीं है, और प्राइवेट लेवल पे भी इतनी ज्यादा वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही। सो इसका सबसे मेजर रीजन ये हो जाता है कि बीएड ना आजकल कंपलसरी तो कर रखी है, लेकिन एक नॉन अटेंडिंग वर्ड आपने सुना होगा, सो उसमें आप एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, विच इज अ डार्क ट्रूथ। आप एक्स्ट्रा पैसे देके रेगुलर जाते नहीं है बट आपकी अटेंडेंस लगती रहती है, और ये सबको पता है कि ऐसा होता है बट स्टिल होती है वो चीज, ठीक है। सो बीएड तो चल रही है बोल रहे होते हैं लोग कि बीएड चल रही है, ठीक है, वो चीज एमएड में नहीं चलेगी, आपको प्रॉपर तरीके से मास्टर करनी पड़ेगी रेगुलर जाके। कई जगह पे एमएड भी जो है वो नॉन अटेंडिंग देखी गई है। सो जब बीएड नॉन अटेंडिंग है, वहां पे बच्चे रेगुलर आ ही नहीं रहे हैं, सो एमएड करके आप पढ़ाओगे किसको, राइट। सो वो पढ़ाने वाली चीजें है ही नहीं। अब एमएड करने के बाद आप एजुकेशन का ट्यूशन भी नहीं ले सकते कि आपके ट्यूशन वाले ही बच्चे आ जाएं, आपकी कमाई हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एमएड अगर आप कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट है अगर आपका, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कीजिए, बिकॉज बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं एजुकेशन में वो भी सजेस्ट नहीं करते, वो बोलते हैं आप अपने मेन सब्जेक्ट में जाइए ना, क्यों आपको एजुकेशन में जो है वो पीएचडी करनी है। तो अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है, जैसे मेरा है, तो बहुत इंटरेस्ट है तो आप कीजिए, डेफिनेटली एमएड कीजिए, उसके बाद जो है आप एमएड के बाद पीएचडी भी कीजिए एजुकेशन में। पॉसिबिलिटी है कि आगे एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग 2030 तक इंटीग्रेटेड कॉलेजेस खुलने चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू होने चाहिए जिसमें बैचलर्स या मास्टर्स के साथ साथ ही आपके साथ साथ बीएड करवाई जा रही है इंटीग्रेटेड कोर्स में,
ठीक है, तो वहां पर वहां पढ़ाने के लिए आपको ऐसे टीचर्स चाहिए होंगे जो डबल मास्टर्स हो, यानी एक अपने सब्जेक्ट में मास्टर कर रखी हो और एक उन्होंने एमएड कर रखी हो। सो ये जरूरी हो जाता है अगर ऐसे कॉलेजेस ओपन होते हैं, जो कि एक पॉसिबिलिटी है देखा जाए तो। सो वहां पे आपका बहुत फायदा हो जाएगा अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेफिनेटली जितने स्कोप केमिस्ट्री में है, जूलॉजी में है, बॉटनी में, साइंसेज में है, उनका और कुछ नहीं तो आप ट्यूशन तो ले सकते हैं ना 12th तक के बच्चों का, राइट। सो वहां पे स्कोप कंपैरेटिवली ज्यादा है, जैसे आरपीएससी या जितने भी और स्टेट लेवल पे वैकेंसीज वैसे ही कम निकलती है, बट जितनी भी निकलती हैं उनमें साइंस सब्जेक्ट की एक दो और कुछ नहीं तो कम से कम दो चार वैकेंसी जरूर मिलेंगी, बट एजुकेशन की हो सकता है ना मिले। सो एजुकेशन में स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आप ऑब्वियसली बहुत कैपेबल हैं तो आपके लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी लेवल पे एक दो पोस्ट निकलती रहती हैं, उसके लिए फिर आपको एमएड के बाद डेफिनेटली जो है पीएचडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। ऑल्दो अगर आप एमएड कर लेते हैं, बीएड कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए जाते हैं, वहां पर भी आपको सैलरी बहुत ज्यादा नहीं मिलती है अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तो, ठीक है। तो बहुत कम जगह पे आपको इनिशियली अच्छी सैलरी मिलेगी, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको कोई अच्छी सैलरी दे सकते हैं वो लोग। उसके अलावा आपको बहुत जगह पे जब आप ऑफलाइन पढ़ाने जाएंगे तो इतनी सैलरी भी नहीं मिलती है, ये सच है, ठीक है। सो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि एमबिड कितनी बेनिफिशियल है, मैं क्या ही बोलूं आपको, ठीक है। मैंने सारी सिचुएशन आपको बता दी, उसके बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगी, आप डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना उसमें आप अपनी जगह उस फील्ड में ऑटोमेटिकली बनाए लेंगे, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।